स्वागत है साथियों आप सभी का ट्रेड द ट्रेंड चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी कंपनी के बारे में। जी हाँ, कैश रिच कंपनी है आईटीसी, बहुत बड़ी कंपनी है, टॉप 10 कंपनीज़ में से एक है इंडिया में, और एफएमसीजी में देखा जाए तो टॉप 3 कंपनीज़ में से एक है इंडिया में। शायद ही आप कोई ऐसा इंसान होगा इंडिया में जो आईटीसी का कोई प्रोडक्ट ना यूज़ करता हो, चाहे वो आशीर्वाद आटा हो या होटल्स हों, कोई ना कोई प्रोडक्ट आप अपनी डेली लाइफ में ज़रूर आईटीसी का यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आईटीसी के बिजनेस मॉडल का, आईटीसी के प्रोडक्ट्स का और आईटीसी के चार्ट का। लास्ट में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि किस लेवल तक ये आईटीसी का चार्ट जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं आईटीसी कंपनी के प्रोफाइल से। आईटीसी बहुत ही पुरानी कंपनी है दोस्तों, अंग्रेज़ों के ज़माने की कंपनी है आईटीसी, और इसमें शेयर होल्डिंग 100% पब्लिक की है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि शेयर होल्डिंग 100% पब्लिक की है, प्रमोटर शेयर होल्डिंग इसमें नहीं है। तो देखिए क्या क्या बिजनेस करती है आईटीसी। एफएमसीजी तो हम सब जानते ही हैं कि एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स आते हैं आईटीसी के, होटल्स हैं आईटीसी के, पेपर बोर्ड्स और पैकेजिंग, एग्री बिजनेस है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी काम करती है। एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं और क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं आईटीसी के। उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो 25 वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं इंडिया में आईटीसी के, ये ब्रांड्स आप सबने सुने होंगे और ये ब्रांड्स मार्केट में टॉप लेवल पे एकदम हैं कि इनकी सेल्स काफ़ी हाई है और इनकी एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में काफ़ी हाई है। तो अगर आप आईटीसी में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आपको कोई डाउट की ज़रूरत नहीं है कि आपका पैसा इसमें कभी डूबने वाला नहीं है, क्योंकि इतना कैश है कंपनी के पास कि वो अपने शेयर ही बाय बैक कर सकती है कभी भी। तो ये 25 ब्रांड्स जो यहाँ पे हैं, आशीर्वाद देखिए, सनफीस्ट, ईपी, बिंगो, बी नेचुरल, आईटीसी, मास्टर शेफ, सनबीन, सेवलॉन, देखिए आजकल डिसइनफेक्टेंट्स की काफ़ी सेल बढ़ी हुई है तो सेवलॉन प्रोडक्ट है आईटीसी का। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी डिमांड रहे, एक ना एक इनका ब्रांड जो है हमेशा टॉप सेलिंग रहेगा, चाहे वो स्टेशनरीज में हो, चाहे वो डिसइनफेक्टेंट हो, चाहे वो आटा क्यों ना हो आशीर्वाद का। चलिए ब्रांड वाइज देखते हैं, ये ब्रांड्स हैं आईटीसी के, आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, बी नेचुरल, ईपी। तो आप अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई आईटीसी का ब्रांड जरूर यूज़ करते हैं, आप नहीं करते तो आपके बच्चे, क्लासमेट की स्टेशनरी यूज़ करते होंगे, सेवलॉन के डिसइनफेक्टेंट यूज़ करते होंगे, एंगेज का डिओड्रेंट यूज़ करते होंगे, कुछ ना कुछ आप सब लोग आईटीसी का यूज़ करते हैं, इतना बड़ा ब्रांड है आईटीसी। आईटीसी के होटल्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये सेकंड लार्जेस्ट चेन है इंडिया में होटल्स की, इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट चेन है होटल्स की आईटीसी। और आईटीसी किस ब्रांड्स के नाम से चलता है, एक तो आईटीसी आपने सुना होगा, आईटीसी होटल्स हैं, आईटीसी होटल्स के नाम से प्रीमियम लग्जरी होटल्स हैं, और आईटीसी के पास है वेलकम होटल्स, इनका ब्रांड है वेलकम होटल्स, आपने कहीं देखा हो तो। ये 5-स्टार हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है और इनके काफ़ी जगह पर वेलकम होटल्स के होटल हैं, 70 डेस्टिनेशन पे 100 होटल्स हैं आईटीसी के। फिलहाल तो होटल बिजनेस डाउन है तो यहाँ से डेफिनेटली इनको लॉस झेलना पड़ रहा होगा, लेकिन एक नॉर्मल सिचुएशन में देखा जाए तो पोस्ट कोरोना हम देखें तो होटल बिजनेस आईटीसी का टॉप 3 में है इंडिया में। कि होटल बिजनेस देखा जाए तो होटल चेन देखी जाए तो आईटीसी टॉप 3 में आता है इंडिया में होटल चेन में, और इनका एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप है मैरियट के साथ जो ये ऑपरेट करते हैं होटल्स को। पेपर में देखें दोस्तों, पेपर बोर्ड बनाने में आईटीसी नंबर 1 है इंडिया में, इतने एडवांस इनके जो प्लेटफॉर्म हैं, इनके जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उसके बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, ब्रांड्स छोटे छोटे आपने सुने भी नहीं होंगे इसमें, लेकिन पेपर पैकेजिंग में और पेपर में आईटीसी काफ़ी एडवांस्ड है और काफ़ी बड़े बड़े इनके यूनिट्स हैं। और आप ये देखिए जो पैकिंग जो होती है, देखिए ये ब्रांड्स के जो आप यूज़ करते हैं कुछ भी, तो इनकी पैकिंग सारी जो है आईटीसी के पेपर से होती है, नोकिया, कोलगेट, यूबी ग्रुप, टाटा टेटले, टाटा टी, और भी देखिए रैकेट बैंक्सनर का डिटोल आता है, रेडिको खेतान की दारू पीते हैं आप लोग, तो ये सब की पैकेजिंग जो है आईटीसी के पास ही है। कुछ ना कुछ मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी काम आप करते हैं, छोटा मोटा बाय करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें आईटीसी का कुछ ना कुछ छोटा हिस्सा है। और अगर इनके ग्रुप की कंपनीज़ देखें तो आईटीसी इंफोटेक और वेलकम होटल्स श्रीलंका, श्रीनिवास रिजॉर्ट्स, जॉइंट वेंचर्स हैं, एसोसिएट कंपनीज़ गुजरात होटल्स लिमिटेड। आइए आईटीसी की प्रोफाइल देख लेते हैं, प्रॉफिट लॉस प्रोफाइल और बैलेंस शीट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम उसकी
बैलेंस शीट देख लें, उसकी प्रोफाइल देख लें। यहाँ पे देखें दोस्तों, प्रॉफिट लॉस में चलते हैं सीधा। 49,000 लगभग, मैं 48,000 में कह सकता हूँ कि 48,000 यहाँ पे सेल है, 48,000 करोड़। और इसमें देखिए इतनी बड़ी सेल है, क्या ITC इंटरेस्ट पे करता है? 71 करोड़ इंटरेस्ट पे किया है। कोई भी कंपनी आप उठाएंगे जिसका इतना बड़ा काम है, 48,000 करोड़ जिसकी सेल है एक साल की, वो अच्छा खासा आपको दिखेगा कि इंटरेस्ट पे करती है। लेकिन ITC यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं पे करती है, ITC कैश रिच कंपनी है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कैश, कितना कैश है बैलेंस शीट में। और ये देखिए मार्जिन्स देखिए यहाँ पे, कि 48,000 करोड़ की सेल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आता है 12,000 करोड़। 48,000 करोड़ की सेल में, चलिए 2,000 करोड़ अदर इनकम भी लगा लेते हैं, 50,000 करोड़ की टोटल इनकम में प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आ रहा है 12,000 करोड़ लगभग, यानी कि 22 से 25% के करीब यहाँ पे मार्जिन्स हैं। यानी कि मार्जिन्स भी काफ़ी, सारा कॉस्ट निकाल के देखें तो मार्जिन भी काफ़ी हाई है यहाँ पे। और ये कंपनी का अगर आप देखें तो प्रॉफिट भी बढ़ता ही जा रहा है, 10,000 करोड़, 11,000 करोड़, 12,000 करोड़। तो ITC एक ऐसी कैश रिच कंपनी है जो हर शेयर होल्डिंग के पोर्टफोलियो में है। म्यूचुअल फंड्स में देखेंगे तो सबने अपनी शेयर होल्डिंग इसमें इंक्रीज़ की है, +10%, HDFC में +8%, SBI में +10%। सभी शेयर जितने भी बड़े बड़े फंड्स हैं उन्होंने जैसे ही प्राइस डाउन आया इसको और ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में। देखिए ज़्यादातर आपको ग्रीन ही मिलेगा, बड़े बड़े जो फंड है, SBI ब्लू चिप फंड में देखिए 9% इंक्रीज़ हुआ है शेयर होल्डिंग पोर्टफोलियो में ITC की। और हम बात कर रहे थे इसके बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में देखिए मैं आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे करंट एसेट्स देखिए, 31,000 करोड़ में कैश एंड बैंक इज़ 4,000 करोड़ ऑलमोस्ट, मतलब 4,000 करोड़ इनके पास कैश है जो कभी भी यूज़ किया जा सकता है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स देखें तो 13,000 करोड़ के आसपास है। डेटर्स में 4,000 करोड़ है, लगभग मैं कहूँगा कि 20 से 25 हज़ार करोड़ एकदम लिक्विडिटी अवेलेबल है कभी भी ज़रूरत पड़े तो। ITC एक ऐसी कंपनी है कि FMCG में कहा जाए, होटल्स में कहा जाए, तो ये एकदम से प्रीमियम कंपनी है, ये हमेशा चलेगी इंडिया में। इतने इसने ब्रांड्स अपने इस्टेब्लिश कर लिए हैं कि इसको अब पीछे छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। और एज ए इन्वेस्टर अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हर साल कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए लास्ट में देखते हैं कि ITC का चार्ट क्या कहता है। मैं ITC के लेवल्स आपको यहीं पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा, मैंने पहले ड्रॉ नहीं किए हैं ताकि आपको भी देखने को मिले कि कहाँ से लेवल्स कैसे ड्रॉ होते हैं। देखिए ये जो डाउन ट्रेंड था, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, ये डाउन ट्रेंड था ITC का, ये यहाँ से फिर से देखा जाए तो 205 से फिर से ये रिजेक्ट हो गया है। यहाँ से 205 के लेवल से देखिए ITC का चार्ट यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखिए ये जो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ से जो इसने सपोर्ट लिया था इसको देखें तो ये एग्जैक्ट मैच होता है यहाँ पे। यानी कि अभी हम कह सकते हैं कि 205 के लेवल से ITC रिजेक्ट हो गया है। और इसकी जो अप ट्रेंड की लाइन है इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, कि अप ट्रेंड की लाइन कहाँ पर जाके यहाँ पर मीट होती है, कहाँ पर एक डिसीजिव पॉइंट आएगा इसका। तो ITC में ये देखिए, ये जो अप ट्रेंड लाइन है ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, ये जो अप ट्रेंड लाइन है। तो अगर हम देखें तो 178 या 180 के अराउंड कह सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे चलिए मैं यहाँ का सपोर्ट ये ले लेता हूँ, हाँ इस सपोर्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहा जाए कि 173 टू 175, ये जोन जो है ये यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं, 173 टू 175। ये मुझे लगता है कि मैं कोई पर्सनली कुछ ऐड करूँगा यहाँ पे, और अगर इससे नीचे जाता है तो 157। लेकिन ये एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि अप ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो अप ट्रेंड लाइन है यहाँ पे ITC की, यहाँ पे 170 से 175 के बीच में एक रेंज आपको बताऊँ तो 170 से 175 के बीच में अगर ये यहाँ पे आप यहाँ पे आता है तो डेफिनेटली ये एक परचेज़ है। यहाँ पे कुछ पैसा ज़रूर रखा जाए बैकअप के लिए ताकि अगर ये प्राइस डाउन आते हैं तो हम अपना एवरेज कर पाएँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं लिख देता हूँ कि 205 से ये रिजेक्ट हुआ है। अगर आप ट्विटर पे चार्ट सर्च करेंगे तो सभी लोग इसको 230 पे पहुँचा रहे थे कि
कि 230 तो ये जाएगा, सभी इसको बाय कीजिए। थोड़ा सा इसमें ग्रीन कैंडल्स दिखी तो सब ने इसको 220 पे पहुंचा दिया था। यहाँ पे मैं कहूँ तो क्या कहाँ पे ऐड करना अच्छा रहेगा, 172-175, ये जो अप ट्रेंड लाइन है ये इसके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि देखिए पहले भी इसने इसको सपोर्ट दिया है। यहाँ से अगर ये बाउंस हो जाता है, अगर ये 175 से बाउंस हो जाता है और एक नया हाई बनाता है, देखिए यहाँ पे इसने हाई बनाया 193, यहाँ पे हाई बनाया 205, तो मुझे लगता है अगर ये यहाँ से बाउंस हो जाता है तो नया जो हाई होगा वो 230 होगा, नया जो हाई होगा वो एटलीस्ट 230 होगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम इसका सपोर्ट देखें तो ये बनता है 230, यानी कि नया हाई बनेगा तो वो बनेगा 230। यहाँ पे अगर 175 से 170-175 से ये यहाँ पे बाउंस ले लेता है, तो देखिए अब ये चार्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे इसने अप ट्रेंड से बाउंस लिया, ये अप ट्रेंड अब यहाँ पे इसको सपोर्ट करती है 170 से 175 के बीच में। अगर ये भी सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो 157 तक आप बाय करने की हिम्मत रखिए, ऑप्टिमिस्ट होके बाय कीजिए कि यहाँ से अगर रिबाउंड होता है तो एक हाई बनाएगा ये, और हाई बनाने के ज़्यादा चांसेस हैं कि एक ये छोटा सा हर्डल यहाँ पे 218 पे है, लेकिन कह सकते हैं कि 230 एटलीस्ट इसको रीच करना चाहिए, टच करना चाहिए 230, 175 से यहाँ पे रीबाउंड लेने के बाद। तो अभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है। फाइनेंशियली ये कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, चार्ट में मुझे लग रहा है कि 170-175 से रीबाउंड होगा, तो 230 का टारगेट यहाँ पे हो सकता है। फिलहाल के लिए चार्ट जो है डाउन साइड में है और इसको एक अच्छे सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे फिलहाल ये अप ट्रेंड का लग रहा है, 170-175, और टारगेट यहाँ पे रह सकता है 230 तक। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट लेने से पहले। ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रेड दी ट्रेंड लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। इसमें मैं शॉर्ट टर्म के पोजीशंस भी डालता रहता हूँ और इंट्राडे के चार्ट्स तो डेली ही डालता रहता हूँ। आज भी हमने रिलायंस में और ल्यूपिन फार्मा में काफ़ी अच्छा ट्रेड किया है इंट्राडे में। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड या पोजिशनल चार्ट्स देखना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रेड द ट्रेंड 99। ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक का पेज भी दिया हुआ है, ट्विटर का मेरा हैंडल भी दिया हुआ है, आप फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको चार्ट्स अच्छे लगे हैं, अगर डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।